enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. 20 साल हो गए हैं सलमान खान को इंडस्ट्री में, लेकिन 20 साल बाद भी सलमान के हाथ में आज तक ब्लैक लेडी फॉर द बेस्ट एक्टर नहीं आई। हो सकता है इस साल वांटेड सलमान की ये कमी पूरी कर दे। आमिर खान, करियर स्पैन 20 इयर्स, 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड। शाहरुख खान, करियर स्पैन 17 इयर्स, 8 बेस्ट एक्टर अवार्ड। सलमान खान, करियर स्पैन 20 इयर्स, एक भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं। शायद आपको भी ये बात पता ना हो, लेकिन सलमान के 20 साल लंबे करियर में आज तक उन्हें एक भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है। ना जाने कितनी हिट्स थी, कितनी ही सुपर हिट्स और कितनी ब्लॉकबस्टर्स, लेकिन सलमान के हाथों में ब्लैक लेडी फॉर बेस्ट एक्टर ना आ सकी। सलमान ने अपने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म दी थी 1989 में मैंने प्यार किया के रूप में। इस रोमांटिक फिल्म ने सलमान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। सभी को लगा कि सलमान को उस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड तो मिलकर ही रहेगा, लेकिन सलमान रह गए खाली हाथ और ये अवार्ड चला गया परिंदा किले जैकी श्रॉफ के खाते में। सलमान को दूसरा मौका मिला 1994 में, जब हम आपके हैं कौन ने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की लीड हीरोइन माधुरी दीक्षित को तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन सलमान को किसी अवार्ड के लायक नहीं समझा गया। 1995 में भी सलमान को करण अर्जुन के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए शाहरुख खान ले गए ब्लैक लेडी और सलमान के हाथ फिर से सिर्फ निराशा ही लगी। सलमान अपनी रोमांटिक फिल्म्स जब प्यार किसी से होता है और प्यार किया तो डरना क्या के लिए भी कोई अवार्ड ना जीत सके। हाँ, 1998 में कुछ कुछ होता है के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जरूर मिल गया। हमने किया है 2004 में आई सलमान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम, लेकिन इस बार भी सलमान के हाथ कुछ ना लगा सिवाय नॉमिनेशन के। और पिछले कुछ सालों में सलमान ने कोई ऐसी फिल्म दी ही नहीं जिसके लिए सलमान को अवार्ड मिल सके। 100 बात की एक बात ये है कि सलमान के दिल में कहीं ना कहीं ये कसक जरूर है कि एक सुपरस्टार होने के बावजूद वो आज तक एक भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना जीत सके। सलमान की जितनी भी रोमांटिक फिल्म्स आए वो हिट तो हुई, लेकिन सलमान को ये अवार्ड ना दिला सकी। शायद इसीलिए सलमान ने इस बार दांव खेला है एक फुल ऑन एक्शन फिल्म पर। वांटेड को हिट का खिताब तो पहले ही वीकेंड में मिल चुका है और क्रेग पंडित का कहना है कि आने वाले दिनों में वांटेड पर सुपर हिट का थप्पा भी लग कर रहेगा। कम से कम वांटेड के लिए तो सलमान भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि इस बार उन्हें ब्लैक लेडी मिल ही जाए। और पारस कोठारी, जूम मुंबई। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।